सो हाय फ्रेंड, अगर आपके फेसबुक पेज पर पॉलिसी इशू आ चुका है दोस्तों, अगर आप उसको हटाना चाहते हैं तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो कैसे हटता है। तो यहाँ पर हटाने के दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे आसान तरीके यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको मोनेटाइजेशन सेक्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी इन स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं योर प्रोफाइल हैज़ बीन नॉट अप्रूवल। दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा इन स्ट्रीम के लिए। सी पॉलिसी पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से अगर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा नो मोनेटाइजेशन वायलेशन। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट अदर रिव्यू का दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आप दोबारा से यहाँ पर रिव्यू करा सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि मेरा जो भी यहाँ पर सब्सक्रिप्शन और ब्रांडेड कंटेंट और स्टार दोस्तों जो भी यहाँ पर इनेबल हो यहाँ पर सभी ग्रीन ग्रीन अपन दिखा रहा है। अभी यहाँ पर इन स्ट्रीम का ऑप्शन नहीं आ रहा दोस्तों। अगर आप इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा, बट आपको रिक्वेस्ट नहीं करा। रिक्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपने पूरी वीडियो को चेक करना है और सभी वीडियो को आपने डिलीट कर देना है। दोस्तों बहुत लोग बताते हैं कि यहाँ पर वीडियो को डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर आपको मोनेटाइजेशन का जो पॉलिसी है वो यहाँ पर हट जाएगा, लेकिन वो हटता नहीं दोस्तों। मैं वहाँ पर आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ। मैं अपना दूसरे यहाँ पर मैं प्रोफाइल यहाँ पर चलता हूँ। तो जैसे यहाँ पर मेरा एक दूसरा पेज यहाँ पर चलता है प्रोफाइल, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं अपना चलता हूँ अपने वीडियो में। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मेरा सी डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं मेरा एक पॉलिसी इशू आ चुका था मोनेटाइजेशन पर सेक्शन पर। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इन स्ट्रीम एड्स पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सी पॉलिसी इशू यहाँ पर आ चुका है दोस्तों। इस पर मैं जब से यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अन ओरिजिनल कंटेंट बता रहा है दोस्तों। यहाँ पर कुछ इस तरह से अगर ऑप्शन आ रहा है तो समझो आपका पेज कुछ ज़्यादा ही खतरे में है। तो यहाँ से चलिए मैं बैक आता हूँ तो यहाँ पर भी लिखा रहा है नो मोनेटाइजेशन वायलेशन, कुछ इस तरह से ऑप्शन आप लोग को देखने को भी मिला होगा। तो यहाँ पर अन ओरिजिनल कंटेंट पर अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको यहाँ पर रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ये मेरा प्रोफाइल है इसलिए यहाँ पर अभी रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, ये हटता नहीं है, ये पॉलिसी इशू ऐसे ही रहता है। अभी मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाने वाला हूँ। अब मैं चलता हूँ सभी में यहाँ पर आप लोग को वीडियो दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से मैं बैक आ गया, अब मैं चलता हूँ अपने वीडियो के ऑप्शन पर और देखता हूँ मेरा वीडियो वहाँ पर क्या क्या डाला गया है दोस्तों। मैंने अब सभी वीडियो का अपडेट कर दिया था बट वहाँ पर पॉलिसी इशू नहीं हटा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर केवल दो ही वीडियो पर पड़ा है दोस्तों। अभी मैं यहाँ पर अगर मैं इसको अगर डिलीट भी कर दूंगा तो भी यहाँ पर पॉलिसी इशू नहीं हटेगा। मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ लोग क्या करते हैं कि आप लोग को केवल चुतिया बनाते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आप लोग के सामने वीडियो को डिलीट कर दिया, मैं इसी को भी यहाँ पर मैं डिलीट कर दी जैसे ये वीडियो है और मैं इसको भी डिलीट कर दोस्तों। अभी यहाँ पर एक जैसे बग के टाइप चलता है, कभी कभी किसी के पेज पर नहीं दिखाता है। तो अभी देख रहे हैं कि मैं मेरे यहाँ पर एक भी यहाँ पर वीडियो नहीं है। अब मैं चलता हूँ सी डैशबोर्ड पर, मैं फिर से यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और देखता हूँ पॉलिसी इशू हटा कि नहीं हटा दोस्तों। यहाँ पर बहुत लोग ऐसे वीडियो बनाते हैं कोई, लेकिन कोई भी यहाँ पर प्रूफ के साथ नहीं वीडियो बनाता है और कोई भी नहीं दिखाता है कि यहाँ पर पॉलिसी आपका हटेगा कि नहीं हटेगा। तो मैं चलता हूँ अपने मोनेटाइजेशन के सेक्शन पर तो अभी यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि मेरा पॉलिसी इशू हटा कि नहीं। चलिए मैं चलता हूँ इन स्ट्रीम ऑप्शन पर। अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी यहाँ पर दिखा रहा है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और सी पॉलिसी इशू। अभी यहाँ पर इशू का मैंने ऑप्शन आ चुका है तो यहाँ पर अभी एक भी हमारे पास कंटेंट नहीं, बट फिर भी यहाँ पर अन ओरिजिनल कंटेंट दिखा रहा है। तो अगर हमारे पास रहता तभी यहाँ पर दिखाता, लेकिन अभी नहीं तो भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर बहुत लोग वीडियो बनाते हैं कि यहाँ पर आपका पॉलिसी हट जाएगा, लेकिन वो हटता नहीं है। ये है प्रोफाइल और मैं चलता हूँ अपने पेज पर, मैं वहाँ पर आप लोग को बताता हूँ। शायद ही हो सकता है कि आपके पेज पर हट जाए, लेकिन बहुत लोगों के पेज पर ये हटता नहीं है और बहुत लोगों को पेज पर हट जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर चलता हूँ। अब यहाँ पर ये मेरा पेज है, ये प्रोफाइल नहीं है। तो यहाँ पर मोनेटाइजेशन के सेक्शन पर मैं चलता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अभी मैं इसको इन स्ट्रीम के ऑप्शन पर चलता हूँ तो देख सकते हैं आप लोग अभी यहाँ पर सी पॉलिसी इशू आ रहा है। अब मैं इस पर अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन आएगा, जो कि ये पेज है इसीलिए यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं रहेगा, आपके पास कोई वीडियो ही नहीं रहेगा तो आप कैसे इसको रिव्यू कराएंगे? तो शायद इस ये भी एक बग हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे ही करके यहाँ पर आप लोग को केवल बेवकूफ़ बनाते हैं दोस्तों, कोई भी पॉलिसी इशू नहीं हटा सकता, ये ऐसे ही रहता है। और यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट का ऑप्शन भी आ जाता है। तो मेरे पास यहाँ पर वीडियो उपलब्ध है इसलिए मेरा यहाँ पर रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।